हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला बाटी। इसमें मसाला बनाएंगे हम आलू और मटर का। ये मैंने आलू बॉयल होने के लिए तो रख दिए हैं और 2 कटोरी आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, आधी चम्मच के करीब अजवाइन, एक चम्मच नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल का मोयन 1 बड़ा चम्मच। इसमें ये ऑयल का मोयन डाल दिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसका एक मीडियम डो लगाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका डो लगा लेंगे हम। मैंने डो लगा दिया है। अब इसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट रखेंगे। आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। अब मसाला बनाने के लिए हमने ये आलू बॉयल कर लिए थे, इनको छील लिए, ठंडे हो चुके हैं। और ये लिए हैं मसाले के लिए 1 छोटा प्याज और हरा धनिया और 1 हरी मिर्च। अब ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, तीन चार लौंग, थोड़ी सी हींग, जीरा पक चुका है। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे मिर्च, इनको भूनने देंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़े इसमें पीस भी रखेंगे, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे आलू को ज़्यादा। प्याज और हरी मिर्च पक चुके हैं। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच के करीब, ये 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब नमक। नमक को मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। हम मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे। इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने मटर भी ले लिए थे, जो इसको 2-3 मिनट बॉईल होने के लिए पानी में रख दिया था। ये बॉईल हो चुके हैं, ये भी मसाले में डालेंगे हम। अब मसाले को थोड़ी देर भुनने देते हैं। मसाला पक चुका है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे, अब इसको मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आलू के अंदर। हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब
लास्ट में मटर डाल देंगे और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। आलू भी बॉयल थे और मटर भी बॉयल करे हुए थे, इसलिए हमें मसाले को ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं इसको। मसाला बन चुका है, अब इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे हम। एक थाली में निकाल के गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लास्ट में हम इसमें अमचूर पाउडर मिलाएंगे, इसकी खटाई से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। मसाला ठंडा होने के लिए मैंने थाली में निकाल दिया, जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसकी बाटी बनाएंगे मसाले वाली। टेस्ट करीब 15-20 मिनट हो गए, अभी थोड़ा सा इस बाटी को लेंगे, इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। और ऑयल गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है बाटी को फ्राई करने के लिए। ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हम बाटी बना लेते हैं। चकला ले लिया, इसके ऊपर हम लंबा लंबा रोल करेंगे इसको, वो भी छोटे छोटे पीस में कट कर। बाटी की मैंने लोई बना ली है, अब इसमें आलू और मटर का मसाला भरेंगे और बाटी बनाएंगे। हाथ से ऐसे मसाले को दबा के और इसको ऊपर से बाटी को ऐसे गोल गोल रोल करेंगे और चिपका लेंगे अच्छे तरह से, ताकि तेल में फ्राई होते समय ये खुले नहीं। ऐसे सारी बाटियां पहले बना लेंगे, उधर ऑयल भी गर्म हो रहा है। सहायता से बाटी को ऐसे बनाने के लिए लोई को गोल गोल करेंगे, फैला लेंगे इसको। अब इसमें मसाला भरेंगे, बस इसको पैक अच्छी तरह से करेंगे ताकि फ्राई करते समय खुले नहीं। फिर हल्के हाथ से इसको गोल गोल कर देंगे, ऐसे सारी बाटी बना के रख लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये बाटियाँ डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में गैस की फ्लेम को हम थोड़ा तेज भी कर देंगे और फिर मीडियम कर देंगे, ऐसे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो चुकी हैं और उनको फिर पलटते रहेंगे बीच बीच में। बाटियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। की बाटी बनके तैयार है, इसे ग्रीन चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। आप इसे सॉस और दही के साथ भी खा सकते हैं। बना के देखिए कैसी बनी रेसिपी और टेस्ट करके बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।